हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स की जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आप इनको गार्डन में ऐड कर लेंगे तो दोबारा आपको इनकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आप इनको जो है कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लांट और गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स को आप ज़रूर ग्रो कर लें। ये कुछ 15+ प्लांट्स है, कम देखभाल में चलने वाले प्लांट है, तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले ये प्लांट है, तो इनको आप जरूर ग्रो करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जो मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो का जो सबसे फर्स्ट प्लांट है ये है विंका का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत और एक परमानेंट प्लांट होता है। काफी सारे प्लांट ये बना लेता है। इसकी जो है बीज गिरती रहती है और काफ़ी सारे प्लांट इसके बनते रहते हैं। इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो कर लिए। मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है, आप चाहे मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसको मैंने कटिंग से लगाया था और अब इसमें जो फ्लावरिंग भी होना शुरू हो चुकी है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें जो फ्लावरिंग होती रहती है। बस इसको आप जो एक बार ग्रो कर लें और काफ़ी सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। तो ये भी गर्मियों का बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। गर्मी सर्दी इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसको आप जरूर ग्रो करें। कोई भी वैरायटी आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है बेबी सनरोज का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप है जो छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरी कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है और ये मैंने बास्केट में ग्रो की हुई है, तो बहुत ही आसानी से भी प्लांट है जो फैल रहा है। इसको भी आप छोटी कटिंग से ग्रो कर लें। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसे पानी कम दें, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसे पानी दें। इस प्लांट को भी आप गर्मी में जरूर ग्रो करें। ये भी बहुत ही अच्छा और एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये भी सर्दी गर्मी बना रहता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग है जो मेनली गर्मियों में होती है, तो इसको भी आप है जो सेव करके रख सकते हैं और छोटी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है भी प्लांट। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट। मैक्सिकन पेटूनिया को कौन नहीं जानता। बहुत सारी इसकी भी वैरायटी होती है। इसमें व्हाइट कलर में फ्लावरिंग होती है, ब्लू कलर में फ्लावरिंग होती है, पिंक कलर में फ्लावरिंग होती है, तो ये प्लांट भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको सीड से ग्रो कर ले, इसमें छोटे छोटे सीड्स बनते रहते हैं, या फिर छोटी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस ये प्लांट होता है। छोटी छोटी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसमें हाफ डे की फ्लावरिंग होती है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें। बहुत ही सुंदर लगता है भी प्लांट। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है क्लांचो का प्लांट। इसे कैलनकोई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को भी आप है जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है और बहुत ही सुंदर इसमें अभी तक फ्लावरिंग है जो हो रही है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इंडोर में ये मैंने रखा हुआ है, तो इंडोर में भी आप इसको चला सकते हैं। ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसे पानी दें, ओवर वाटरिंग ना करें, तो भी बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है ये भी। गर्मी में भी फ्लावरिंग ये करता है। इसको आप इंडोर में रख दें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है कनेर का प्लांट। इसे ओलियंडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी 3-4 वैरायटीज आती है। पिंक कलर में इसकी वैरायटी आती है, येलो कलर में इसकी वैरायटी आती है और वाइट कलर में इसकी वैरायटी आती है। ये प्लांट भी मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया हुआ है। इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो कर लें। पानी में मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी। अब आप देख सकते हैं इसमें अभी से जो है फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी सर्दी भी प्लांट बना रहता है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें। बहुत ही अच्छा सारा साल चलने वाला ये प्लांट है। सारा साल ये गार्डन में बना रहता है, और चाहे तो आप इसको छोटी कटिंग से ग्रो कर लें, तो बहुत ही आसानी से भी ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको मैंने छोटे से ही पॉट में लगाया हुआ है और अभी से जो ये अभी प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आउटडोर में आप इसको रख दें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है गुड़हल का प्लांट। इसे हिबिस्कस प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट को भी आप है जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं कटिंग से। चाहे आप इसको मिट्टी में ग्रो कर लें या पानी में ग्रो कर लें, तो दोनों तरीक़ों से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने कुछ दिनों पहले जो है पानी में ग्रो किया था और पानी में इसकी रूट्स आ गई थी, तो इसको मैंने कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट किया था। अब आप देख सकते हैं इसमें नई नई लीव्स आ चुकी हैं, तो बहुत ही आसानी से प्लांट है जो ग्रो हो जाता है। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इसको मैंने जो है कटिंग से इसमें रिपोर्ट किया था कुछ दिनों पहले, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, तो कोई भी वैरायटी इसकी आप ले सकते हैं। चाहे तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर लें, तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है।
वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है अपराजिता का प्लांट। इसे शंख पुष्पी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें जो है कलर इसके जो है एक ब्लू कलर में इसकी जो फ्लावरिंग होती है, वाइट कलर में फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी आप है जो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी थोड़ी हार्ड सी कटिंग ले लें या फिर आप इसको जो है बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। बीज से भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये मैंने बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और चाहे तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप इसके सीड्स को ज़रूर सेव करके रखें अगर आपके पास ये प्लांट है, क्योंकि अगली गर्मी में ये काम आते हैं। चाहे तो आप इसको अभी ग्रो कर लें और इनके सीड्स को ज़रूर सेव करें ताकि आप इससे जो नए नए प्लांट बना सकें। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले मैंने इसको भी रिपोर्ट किया था। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो इसकी ऊपर वाली टिप है जो अभी से काट दें, जब से ये प्लांट जब छोटा होता है, तो जिससे ये प्लांट है जो नई नई इसकी टहनियाँ निकलती रहेंगी और ये प्लांट बुशी भी बन जाएगा। तो इसको भी आप ज़रूर ग्रो करें और इसको बुशी बनाएं, इसको सहारा ज़रूर दें। बहुत ही अच्छा फैलने वाला ये प्लांट है। गर्मी में खूब फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है कोकोम, या इसे सिलोसिया प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। गर्मी में इसके काफ़ी कलर्स आने लगते हैं। सर्दियों में इसके जो है फ्लावर का कलर बिल्कुल रेड होता है, लेकिन गर्मी में इसके काफ़ी सारे फ्लावर्स आने लगते हैं अलग अलग कलर्स में, पिंक कलर में, येलो कलर में, वाइट कलर में। तो ये प्लांट भी मैंने जो है बाय किया था। इसके जो है बीज गिर गए थे तो बीज से ये प्लांट निकला था। अब ये प्लांट बिल्कुल छोटा सा ही होता है और तभी जो सूख जाता है। अगर आप इसको भी, अगर आपके पास ये प्लांट है और इसको आप बुशी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो इसकी आप पिंचिंग जरूर करते रहें। जब जब इसकी फ्लावरिंग आती रहे तो इसको जो तोड़ते रहें जिससे प्लांट बुशी हो जाए। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इस तरीके से करें, ये प्लांट बहुत अच्छे से फैलता जाएगा। मैंने इसका बहुत अच्छा प्लांट लिया था, बड़ा प्लांट लिया था, लेकिन वो ओवर वाटरिंग के कारण सूख गया था, इसलिए जो इसके बीज झड़ गए थे तो उससे प्लांट बन गया। अब इसको अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर वाली जो है पत्तियाँ तोड़ते रहें जिससे प्लांट बुशी होता रहे और नई नई लीव्स में आते रहे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है। इसको भी आप ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग इसकी होती है। इसमें जो है ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं इसकी। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, चाहे आप इसको इस सीड से ग्रो कर लें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मोगरा का प्लांट। बहुत सारी इसकी वैरायटीज होती है, 3-4 इसमें वैरायटीज होती है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो भी अगर आप कटिंग लेना चाहते हैं तो उस तरीके से कटिंग आप ले सकते हैं। ग्रीन कटिंग इसकी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसकी ग्रीन कटिंग ले लें और रेत में इसको आप लगा सकते हैं, तो रेत में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ये प्लांट है जो मैंने बाय किया था, तो बहुत ही आसानी से ये भी प्लांट ग्रो हो रहा है। इसमें 2 बार फ्लावरिंग हो चुकी है। और अगर आप इसकी जो फ्लावरिंग ज़्यादा चाहते हैं तो इसकी ऊपर वाली जब इसकी जो है फूल झड़ जाए तो इसकी जो नीचे वाली बिल्कुल परत सी उतार दें, हटा दें और इसको कट करते रहें जिससे नई नई पत्तियाँ आते रहें और बहुत सारी इसकी फ्लावरिंग है जो होती रहे। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस वाला ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसको भी आप ज़रूर ग्रो कर लें। गर्मी सर्दी प्लांट बना रहता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इसकी होती है, वाइट कलर की। 3-4 इसमें जो है वैरायटी आती है, डबल पेटल, सिंगल पेटल में। तो कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और फ्रेगनेंस वाले जो फ्लावर इसके होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लांट। तो इसको भी आप ज़रूर ग्रो कर लें। गर्मियों का ये भी बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लांट है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है पोर्टुला का। पोर्टुला को कौन नहीं जानता, सभी से लगाना पसंद करते हैं। गर्मियों में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फैलता है। बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग है जो होती है, अलग अलग कलर में इसकी जो फ्लावरिंग होती है, पिंक कलर में, येलो कलर में, वाइट कलर में। तो काफ़ी सारी इसकी भी जो आपको वैरायटी मिल जाएगी अलग अलग कलर में। छोटी छोटी कटिंग से आप इसको ग्रो कर लें। बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग ऐसे ही लगा दी थी। इसमें कोई और प्लांट था, इसमें विंका का प्लांट लगा हुआ था, वाइट कलर वाला। तो इसको वो जो है प्लांट जो सूख गया था, उसके बाद मैंने इसको हटाकर इसमें जो छोटी छोटी कटिंग लगा दी और अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें जो फ्लावरिंग होती है, बहुत ही बड़े साइज़ में इसकी जो है फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसको थोड़ी बड़े साइज़ में इसकी जो है फ्लावरिंग होती है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है यूफोबिया मिली का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी 3-4 वैरायटीज आती हैं। इसकी बड़ी लीव्स वाला भी इसका फ्लावर होता है, छोटी लीव्स वाला भी इसका फ्लावर होता है और बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें वाइट कलर में भी फ्लावरिंग होती है, येलो कलर में, पिंक कलर में। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ प्लांट है। आप देख सकते हैं मैंने इसको रेत में ग्रो किया था, तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो गई है। और इसकी जो है मैंने एक टहनी इसकी निकली हुई थी तो उससे मैंने एक नई कटिंग ग्रो कर दी जिससे नया प्लांट तैयार हो जाए। तो बहुत ही आसानी से इसको इस तरीके से आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप ध्यानपूर्वक लें क्योंकि इसमें कांटे होते हैं।
तो ग्लव्स पहनकर आप इसकी कटिंग ले। भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती है। इसको भी आप इस टाइम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट है जो चलता है। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है विंग पोर्ट पर्सुलिन का प्लांट। ये भी पोर्टुलगा की एक वैरायटी है। इसमें थोड़े फूल फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी अलग अलग कलर आते हैं, येलो कलर, पिंक कलर, रेड कलर इसमें आता है, तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। बहुत ही सुंदर भी लगता है प्लांट। इसको भी आप पोर्टुलगा की तरह ही छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको बास्केट प्लांट के इसमें लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से प्लांट फैलता है और बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें, छोटी छोटी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग से इसको ग्रो किया है, तो बहुत ही आसानी से प्लांट चल चुका है। बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट होता है, तो इसको आप जरूर ग्रो करें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है चांदनी का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट ही होता है, इसे मिनी चांदनी के नाम से जाना जाता है। इसकी भी तीन चार वैरायटीज होती है, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट बहुत अच्छे चल जाता है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें, गर्मी में भी खूब फ्लावरिंग करता है, तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है होली होक का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, अलग अलग कलर में इसकी जो फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही बड़ा ये प्लांट साइज में होता है। इस प्लांट की लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है और फ्लावर का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। ये भी प्लांट है जो अगर एक प्लांट लगा दे तो काफ़ी सारे प्लांट इसके भी गिरते रहते हैं, इसके बीज गिरते रहते हैं। इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें, गर्मी में खूब फैलने वाला प्लांट और बहुत ही सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती है, पिंक कलर में, व्हाइट कलर में, येलो कलर में, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। इस प्लांट भी आप जरूर ग्रो करें। वीडियो का जो नेक्स्ट प्लांट है ये है मधुमालती का प्लांट। मधुमालती को कौन नहीं जानता, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसे झुमका बेल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से फैलने वाला ये प्लांट है। रात के समय इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आती है और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर भी। अलग अलग कलर में इसके जो फ्लावर आते हैं, एक ही गुच्छे में इसके अलग अलग कलर होते हैं, रेड, वाइट, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये प्लांट। इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें, बहुत ही अच्छा फैलने वाला प्लांट है। बेल के रूप में आप इसको लगाएं तो बहुत ही अच्छे से फैलती है इसकी बेल भी और बहुत सुंदर भी लगती है, तो इसको आप जरूर ग्रो कर लें। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है गुलाब का प्लांट। गुलाब को कौन नहीं जानता, रोज़ को सभी लगाना पसंद करते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। काफ़ी सारी अब इसकी वैरायटी आने लगी है, पिंक कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में, तो बहुत सारी कोई भी वैरायटी आप इसकी ले सकते हैं। भी बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट। इसको भी आप जरूर ग्रो कर लें, गर्मी में बहुत ही अच्छे से फैलने वाला ये भी प्लांट है। अगर आप इसकी जो है कटिंग फरवरी मार्च में लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है जून जुलाई तक इसमें जो फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो कर लें, बहुत ही खूबसूरत लगता है भी प्लांट। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे 15 प्लस प्लांट्स जिनको आप गर्मी में जरूर ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस ये प्लांट होते हैं, इनको आप गर्मी में जरूर ग्रो कर लें। कुछ परमानेंट प्लांट है, तो एक बार अगर आप इनको गार्डन में लगा देते हैं तो सारा साल ये गार्डन में बने रहते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है। तो छोटी छोटी कटिंग से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। मैंने सभी की कटिंग ही लगाई हुई है, तो कटिंग से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। कुछ आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे विंका का प्लांट हो गया, अपराजिता का प्लांट है जो, या फिर जो है कोकोम का प्लांट है, तो इनको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। तो गर्मी में प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं प्लांट। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो के साथ।